आज हम बनाएंगे कढ़ी चावल। हमने बेसन ले लिया है, इसको हमने छन्नी से छान लिया है। इसको हम इसमें डालेंगे थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, ज़्यादा तीखा ना हो, और इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे सिर्फ कि पीला हो। पीला के अनुसार हम डालेंगे हल्दी पाउडर, और चाहे तो हम थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर इसलिए डालते हैं कि इसमें स्वाद आ जाता है। फिर हमने छाछ लिया है, छाछ को हम डालेंगे इसमें बेसन के मसाले में। मैं पूरी की पूरी छाछ ले ली है, छाछ डाल के अगर जो बनाओ तो अच्छा बनता है, और जैसे हम चाहते हैं वैसे ही बनता है। देखिए अभी इसको हम जब तक मिलाते रहेंगे जो इसमें का जो गांठ बन जाता बनेगा नहीं, इसलिए हम गांठ को मिलाते रहेंगे कि गांठ ना बन जाए इसमें। चाहे तो हम दाल मथने वाला रही से भी इसको मथ सकते हैं। अच्छी तरह से छाछ हो चुका है, गांठ कहीं नहीं बंधा है, देख सकते हैं। जब तक हम चूल्हे पे कढ़ाई रखेंगे, हमने कढ़ी तड़का के लिए तेज पत्ता ले लिया है, और दो थोड़ा जीरा हमने ले लिया है। जीरा अच्छी तरह से जल जाए इसके हम बाद में डालेंगे दो खड़े लाल मिर्च। इसके बाद हम डालेंगे दो खड़े लाल मिर्च, इसको हमने हल्का हल्का तूर लिया है, इसलिए कि अगर हम खड़े तेल में डालते हैं तो उड़ने लगता है। जीरा तेज पत्ता जल जाएगा, उसके बाद हल्का तूर लिया है, इसलिए कि अगर हम खड़े तेल में डालते हैं तो उड़ने लगता है। जीरा तेज पत्ता जल जाएगा, उसके बाद में हम मिर्ची डालेंगे। फूरन जलता है तो उसमें स्वाद भी आता है, इसलिए हम थोड़ा जलाएंगे उसको जीरा को। जीरा जल चुका है, अब हम डालेंगे लाल मिर्च। देख सकते हैं कि लाल मिर्च भी जल गया है, और इधर हमारा कढ़ी भी तैयार है। इसमें थोड़ा पानी भी डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। अब हम डालेंगे इसको, हम चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसमें हम पानी भी डाल देंगे, और पानी डालेंगे पानी डाल दिए हैं, देखिए पतला हो गया, लेकिन ये बाद में धीरे धीरे ये गाढ़ा होते जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा पानी डाले हैं कि पतला रहे तो बाद में ये गाढ़ा हो जाए। देखिए कितना पतला है,
ये गाढ़ा भी होगा, इसीलिए हम थोड़ा और पानी डाले हैं, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल लिया हमने, और इसको जब तक चलाएंगे तब तक गाढ़ा ना हो। अब ये हमारा करी बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है, देखिए ज़्यादा मोटी नहीं है और ज़्यादा पतली नहीं है। और हमने कम से कम हम 10-15 मिनट तक इसको पकाए हैं। अच्छी तरह से बेसन पक जाता है तो स्वाद आता है, कच्चा पर नहीं लगता है, इसलिए हम गैस पे कम से कम 15 मिनट तक पकाए हैं इसे। अब हमारा हो गया है, अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। हमने दुकान से बूंदी मंगाई है, देख लीजिए ये बूंदी हम इसमें डालेंगे, क्योंकि हम बूंदी बनाते तो है लेकिन आज हम बना नहीं सकते, इसलिए हमने मार्केट से बूंदी मंगाई है। अब खाइए, टेस्टफुल लगेगा, खाकर बताइए। बनाने में बिल्कुल आसान, इतनी आसान तरीका है कढ़ी बनाने में, मैंने आप लोगों को आसान तरीका बताई थी बनाने के लिए।